तो आइए दोस्तों, आज हम करेंगे पतंजलि दूध बिस्कुट की अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके पैकेजिंग की या आउटर साइड की। इसकी पैकेजिंग प्लास्टिक की है और बिस्किट के साइज की है। अब मैं आपको इसका वेट भी बताना चाहूँगा, जो कि है 45 ग्राम नेट। इंटरनेट वाला नेट नहीं, फिक्स वाला नेट। यह बिस्किट पतंजलि द्वारा दूध से बनाया गया है, फिर भी इसकी कॉस्टिंग 5 रुपये रखी गई है। ये जो कंपनी ने पैकेट के ऊपर जो ज्ञान की बात लिखी है, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बता देता हूँ। कंपनी बोलती है पैकेजिंग के 6 महीने के अंदर अंदर इसको खा पी के ख़त्म करो। भैया खाने तक तो ठीक है, पीने से क्या मतलब है आपका? अब कंपनी ने इसमें दूध डाला है तो इसमें क्या मेरी गलती है? दूध को पिएगा नहीं तो क्या चबाएगा तू? चल साइड में हो जा, अनबॉक्सिंग करने दे मुझे। तो ये बिस्किट के पैकेट की अनबॉक्सिंग हो रही है। हमने बिस्किट्स निकाल कर एक कांच के गिलास में जमा रहे हैं ताकि बिस्किट टूटे हुए ना दिखे और इससे इंप्रेशन अच्छा पड़े। और हाँ, इसमें मैं बिस्किट की काउंटिंग नहीं बताऊँगा, आप गिनना चाहें तो आप गिन सकते हैं, इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको। इसमें मैं आपको एक बिस्किट का वेट ज़रूर बताना चाहूँगा, जो कि ओवरऑल है 5 ग्राम। साइज़ की बात कर ले तो इसे आप चाय में डुबोकर सिंगल बाइट में पूरा खा सकते हैं। ओए होए, पतंजलि की ब्रांडिंग इतनी तगड़ी, ओए होए। तो चलिए दोस्तों, आपका काउंटिंग का समय शुरू होता है अब। जब तक मैं और कुछ इसके फीचर पॉइंट बताता हूँ जो कंपनी द्वारा हाईलाइट किए गए हैं। कंपनी द्वारा बताया गया है कि ये कम्प्लीटली 100% आटे का बना हुआ है। भैया कंपनी वाले बोल रहे हैं इसमें ज़्यादा फाइबर भी मिलाया गया है, ईजी टू डाइजेस्ट भी बोल दिया कंपनी ने यहाँ तक। तो मतलब खाओगे नहीं, उसके पहले ही पेट में पच जाएगा। भैया ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? अब हो गया तो हो गया, चलने तो जाने दे, नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम कर लेंगे।